अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसा आपको पता है 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, तो उन नवरात्रों में आप किस किस दिन के कपड़े पहने पूरे 9 दिन की आपको देवी माँ की कृपा प्राप्त हो। तो चलिए आपको बताते हैं। लोग तो वैसे ही अमूमन अपने हिसाब से जो भी रंग मिलता है कपड़े पहन लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। नवरात्रों में या किसी भी पूजा पाठ में आपको खास करके काले और नीले रंग के कपड़े अवॉइड करना चाहिए। उनके अलावा जो जो रंग प्रथम दिन से लेकर 9वें दिन तक माँ को पसंद हैं, वो रंग मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस कलर के कपड़े आप कोशिश करके पहनिए, तो आपको माता जी की कृपा मिलेगी। तो चलिए बताते हैं कि पहले दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए। जैसे कि आपको पता है प्रथम दिन होता है माँ शैलपुत्री का, तो शैलपुत्री माँ के दिन आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि शैलपुत्री माता को पीला रंग बहुत अधिक प्रिय है। इसी तरह से दूसरे दिन आपको पहनने चाहिए, जो दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी माता का होता है, तो उस दिन आपको हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। कहा जाता है ब्रह्मचारिणी माता को हरा रंग अति प्रिय है। इसी तरह नवरात्र का तीसरा दिन आता है जो माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है, तो नवरात्रि के तीसरे दिन आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा में हल्के भूरे रंग के कपड़े पहनिए और इसको पहन के माँ की पूजा करिए, या फिर आप एक तरह से कह सकते हैं क्रीम कलर या कुछ पीच कलर, लाइट येलो कलर टाइप के कपड़े भी पहन सकते हैं। उसी तरह से चौथा दिन आता है माँ कूष्मांडा का। माँ कूष्मांडा का जिस दिन आप पूजा करें उस दिन आप उनको ऑरेंज रंग के कपड़े पहनकर पूजें। माँ कूष्मांडा को ऑरेंज रंग बहुत पसंद होता है। ऑरेंज यानी जैसे गेरवा है या संतरी रंग जिसको बोलते हैं, इस तरह का रंग, इससे रिलेटेड आपके पास जो भी रंग हो हल्का गाढ़ा, उस तरह के कलर पहनकर आप पूजा करें। इस तरह से होता है। पांचवा दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, तो इन माता को जो है सफ़ेद रंग बहुत ही पसंद होता है, तो चूँकि सफ़ेद रंग तो हम लोग नहीं पहनते पूजा में, तो उसकी जगह आप ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर, पिंक कलर, इस तरह का कोई शेड आप पहन सकते हैं पांचवे दिन। इसके बाद आता है छठा दिन जो माँ कात्यायनी को समर्पित होता है, तो इस दिन आप लाल रंग पहनिए। कात्यायनी माता को लाल रंग बहुत ही अधिक प्रिय होता है, तो आप लाल रंग के कपड़े पहन के माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना कीजिए। इसके बाद आता है सातवां दिन जो माँ कालरात्रि को समर्पित होता है, तो कालरात्रि माता की पूजा करने में आप नीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। आप किसी और दिन नीले रंग के कपड़े ना पहनकर माँ कात्यायनी का जिस दिन पूजा होता है उस दिन आप नीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। इसके बाद आता है अष्टम दिन। ये अष्टम दिन होता है माँ महागौरी का, तो इस दिन आप जो है गुलाबी रंग के कपड़े पहन के महागौरी माँ की पूजा कर सकते हैं। महागौरी माता को गुलाबी रंग अति प्रिय होता है। इसके बाद आता है नवम दिन। इस दिन आप सिद्धदात्री माता की पूजा करते हैं और सिद्धिदात्री माता को बैंगनी रंग अति प्रिय होता है, तो 9वें दिन जब आपका व्रत का समापन होता है और नवरात्रि का भी समापन होता है, जो 9वें दिन माता की पूजा की जाती है वो माँ होती है सिद्धिदात्री, सब प्रकार की सिद्धियां देने वाली, तो 9 दिन आप बैंगनी रंग के वस्त्र पहन के माँ सिद्धिदात्री की पूजा कीजिए, तो आपको माता की हर तरह से कृपा मिलेगी। अब इसमें कोई एक बंधन नहीं है कि नहीं आपको इस दिन ये कपड़े पहनने ही पहनने हैं। जिसके पास अगर ऐसे रंग के कपड़े हैं तो किसी अन्य रंग को पहनने से अच्छा है कि आप उसी रंग के कपड़े पहन के पूजा करिए, तो माँ उस पर अधिक प्रसन्न होती हैं। इसी प्रकार अपने वीडियो को हम समाप्त करते हैं और नवरात्र से जुड़ी हुई अन्य वीडियो आप देखते रहिए और मुझे सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।